हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को टॉप 5 बेस्ट लैपटॉप बताऊंगा जो आपको अंडर 45,000 रुपीज़ में देखने को मिलेंगे। और जितने भी लैपटॉप बता रहा हूँ दोस्तों, इसमें जो फीचर दिए गए हैं बहुत ही बढ़िया है। तो अगर इस प्राइस रेंज पे आप एक बेस्ट बिजनेस लैपटॉप या बेस्ट वीडियो एडिटिंग लैपटॉप या बेस्ट गेमिंग लैपटॉप लेना चाहते हैं तब आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि जितने भी लैपटॉप बता रहा हूँ दोस्तों, इसमें आपको 15.6 इंच तक की ओलेड डिस्प्ले, 6 कोर 12 थ्रेड तक का गेमिंग प्रोसेसर, बिग रैम एंड स्टोरेज, फिंगरप्रिंट सेंसर और 10 आवर तक का बैटरी बैकअप के साथ में आपको वाईफाई, ब्लूटूथ, वेबकैम, डुअल स्टीरियो स्पीकर, बैकलिट कीबोर्ड जैसे फीचर भी मिल जाएंगे। तो नो डाउट दोस्तों, फीचर वाइज ये सारे लैपटॉप आपको एकदम टॉप नॉच देखने को मिलेंगे। और इन सारे लैपटॉप की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके इसके बारे में और भी जान सकते हैं या परचेस करना चाहते हैं तो आप परचेस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, जान लेते हैं कौन से टॉप 5 बेस्ट लैपटॉप हैं जो आज के इस लिस्ट में आते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों आज की लिस्ट में जो 5वें नंबर पर लैपटॉप आता है एसर की तरफ से है। अगर इस प्राइस रेंज पर आप एक बेस्ट वीडियो एडिटिंग लैपटॉप लेना चाहते हैं तब आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, और यह एसर एस्पायर 5। अब इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें को 14 इंच की फुल HD LED बैकलिट IPS डिस्प्ले, जिसमें विंडोज 11 होम ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटेल कोर i5 1135G7 क्वाड कोर प्रोसेसर, 4.2 GHz मैक्सिमम प्रोसेसर स्पीड, इंटेल आयरिस XC डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड, DDR4 रैम टाइप, NVMe स्टोरेज टाइप, 8GB रैम, 512GB SSD, वाईफाई, ब्लूटूथ, वेबकैम और चिकलेट कीबोर्ड जैसे फीचर के साथ में 45,990 रुपीज़ में आता है। तो बात करते हैं दोस्तों इस लैपटॉप के प्रोज एंड कॉन्स की। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको डेडिकेटेड यहाँ पे ग्राफिक कार्ड दिया गया है, उसी के साथ में जो प्रोसेसर दिया गया है, जो डिस्प्ले क्वालिटी है, ये सब कुछ भी बढ़िया है। दोस्तों इसमें आपको 14 इंच की डिस्प्ले दी गई है और इसमें आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर भी नहीं मिलता है, और इसकी जो प्राइस है वो भी थोड़ी सी ज़्यादा है। तो यहाँ पे कुछ मेजर कॉन्स हैं, इसीलिए मैंने इसको 5वें नंबर पर रखा है। ओवरऑल दोस्तों इसमें डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड दिया गया है, जिससे आप इसमें नॉर्मल गेमिंग भी कर सकते हैं और वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं तो भी आसानी से कर सकते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों आज की लिस्ट में जो 4थे नंबर पर लैपटॉप आता है आसूस की तरफ से है। तो अगर इस प्राइस रेंज पर आप एक बेस्ट डिस्प्ले वाला लैपटॉप लेना चाहते हैं तब आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको ओलेड डिस्प्ले दिया गया है, आसूस वीवो बुक K15। अब इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको 15.6 इंच की फुल HD ओलेड HDR10 सर्टिफाइड डिस्प्ले, जिसमें 600 निट्स की ब्राइटनेस, विंडोज 11 होम ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस प्री इंस्टॉल MS ऑफिस, 11 जनरेशन इंटेल कोर i3 1115G4 डुअल कोर प्रोसेसर, 4.1 GHz मैक्सिमम प्रोसेसर स्पीड, इंटेल USD इंटीग्रेटेड ग्राफिक प्रोसेसर, DDR4 रैम टाइप, NVMe स्टोरेज टाइप, 8GB रैम, 256GB SSD, वाईफाई, ब्लूटूथ, वेबकैम, डुअल स्टीरियो स्पीकर जैसे फीचर के साथ में आपको बैकलिट कीबोर्ड, फिंगरप्रिंट सेंसर और 37 वाट आवर की बैटरी, जिसमें आपको 6 आवर का बैटरी बैकअप भी मिल जाता है। प्राइस की बात करें तो आपको 42,090 रुपीज़ में आता है। तो बात करते हैं दोस्तों इस लैपटॉप के प्रोज एंड कॉन्स की। इसकी सबसे अच्छी बात यही कि इसमें आपको एक बिग डिस्प्ले मिलती है, वो भी ओलेड डिस्प्ले है, जिसमें आपको 600 निट्स की ब्राइटनेस दी गई है। तो डिस्प्ले के मामले में लैपटॉप आपको एकदम टॉप नॉच देखने को मिलता है। उसी के साथ में इसमें जो सारे कनेक्टिविटी फीचर दिए गए हैं वो भी बढ़िया है, इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है। लेकिन दोस्तों इसमें आपको डुअल कोर प्रोसेसर मिलता है, और उसी के साथ में जो स्टोरेज है वो भी यहाँ पे 256GB ही दिया गया है। 512GB रहता तो ज़्यादा बढ़िया रहता। ओवरऑल दोस्तों अगर आप एक ऑफिस वर्क के लिए, अपने बिजनेस पर्पस के लिए, नॉर्मल यूजर्स के लिए एक बेस्ट डिस्प्ले वाला लैपटॉप लेना चाहते हैं तब आप इसको ले सकते हैं। लेकिन अगर आप एक वीडियो एडिटिंग या गेमिंग के लिए बेस्ट लैपटॉप लेना चाहते हैं तब आप आसूस वीवो बुक 15 को ले सकते हैं, जिसमें आपको 11 जनरेशन का इंटेल कोर i5 क्वाड कोर प्रोसेसर दिया गया है, और उसमें भी आपको डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड मिल जाता है 2GB का, और उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से परचेस कर सकते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों आज की लिस्ट में जो 3rd नंबर पर लैपटॉप आता है रेडमी की तरफ से है, और इसमें भी आपको जो सारे फीचर दिए गए हैं एकदम टॉप नॉच देखने को मिलते हैं, और यह रेडमी बुक 15 प्रो। अब इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको 15.6 इंच की फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, जिसमें 250 निट्स की ब्राइटनेस, विंडोज 11 होम ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस प्री इंस्टॉल MS ऑफिस, 11 जनरेशन इंटेल कोर i5 1300H क्वाड कोर प्रोसेसर, 4.4 GHz मैक्सिमम प्रोसेसर स्पीड, इंटेल USD इंटीग्रेटेड ग्राफिक प्रोसेसर, DDR4 रैम टाइप, NVMe स्टोरेज टाइप, 8GB रैम, 512GB SSD,
वाईफाई, ब्लूटूथ, वेबकैम, डुअल स्टीरियो स्पीकर, चिकलिट कीबोर्ड और 10 आवर की बैटरी बैकअप के साथ में 41,550 रुपीज में आता है। तो बात करते हैं दोस्तों इस लैपटॉप के प्रोज एंड कॉन्स की। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको इंटेल कोर i5 दिया गया है, लेकिन आपको एस सीरीज का यहाँ पे क्वाड कोर प्रोसेसर मिलता है। एस सीरीज का मतलब होता है दोस्तों हाई परफॉर्मेंस। आप इसमें नॉर्मल गेमिंग भी कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं, और उसी के साथ में जो डिस्प्ले दिया गया है, जो सारे कनेक्टिविटी फीचर हैं, जो रैम और स्टोरेज है, सब कुछ आपको बहुत ही जबरदस्त देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों इसमें आपको डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं मिलता है, इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड दिया गया है। ओवरऑल दोस्तों इसमें ऐसा कोई भी मेजर कॉन्स नहीं है। अगर इस प्राइस रेंज पर आप एक बिजनेस पर्पस के लिए, ऑफिस वर्क के लिए, नॉर्मल यूजर्स के लिए लैपटॉप लेना चाहते हैं बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ में, तब आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों आज के लिस्ट में जो दूसरे नंबर पर लैपटॉप आता है एचपी की तरफ से है। तो अगर इस प्राइस रेंज पर आप एक बेस्ट ऑलराउंडर लैपटॉप लेना चाहते हैं तब आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, और यह एचपी 15S। अब इसके स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं, 15.6 इंच की फुल HD माइक्रो एज एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, जिसमें 250 निट्स की ब्राइटनेस, विंडोज 11 होम ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस प्री इंस्टॉल MS ऑफिस, MD राइजन 5 5500U 6-core 12-thread प्रोसेसर, 4GHz मैक्सिमम प्रोसेसर स्पीड, AMD रेडॉन इंटीग्रेटेड ग्राफिक प्रोसेसर, DDR4 रैम टाइप, NVMe स्टोरेज टाइप, 8GB रैम, 512GB SSD, वाईफाई, ब्लूटूथ, वेबकैम, डुअल स्टीरियो स्पीकर, इनबिल्ट अलेक्सा और फुल साइज कीबोर्ड के साथ में 41 आवर की बैटरी, जिससे आपको 9 आवर का बैटरी बैकअप भी मिल जाता है। प्राइस की बात करें तो 45,490 रुपीज में आता है। तो बात करते हैं दोस्तों इस लैपटॉप के प्रोज एंड कॉन्स की। इसमें आपको जो प्रोसेसर दिया गया है, जो डिस्प्ले दिया गया है, जो रैम और स्टोरेज है, जो सारे कनेक्टिविटी फीचर है, उसी के साथ में जो बैटरी बैकअप है, ये सब कुछ एकदम टॉप नॉच देखने को मिलते हैं। हालांकि दोस्तों इसमें भी आपको डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं दिया गया है, इंटीग्रेटेड दिया गया है। लेकिन दोस्तों इसमें आपको 6-core 12-thread प्रोसेसर दिया गया है, जिससे परफॉर्मेंस के मामले में आपको बहुत ही बढ़िया लैपटॉप देखने को मिल जाता है HP की तरफ से। तो फाइनली दोस्तों आज की लिस्ट में जो नंबर एक पे लैपटॉप आता है लेनोवो की तरफ से है, और इसमें भी आपको जितने भी फीचर दिए गए हैं सब एकदम टॉप नॉच है। तो अगर इस प्राइस रेंज पर आप एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी ऑलराउंडर स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तब आप इसको ले सकते हैं, और यह है लेनोवो आइडिया पैड 3। अब इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें भी आपको 15.6 इंच की फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, जिसमें 250 निट्स की ब्राइटनेस, विंडोज 11 होम ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस प्री इंस्टॉल MS ऑफिस, MD राइजन 5 5500U 6-core 12-thread प्रोसेसर, 4GHz मैक्सिमम प्रोसेसर स्पीड, MD रेडॉन इंटीग्रेटेड ग्राफिक प्रोसेसर, DDR4 रैम टाइप, 8GB रैम, 512GB SSD, वाईफाई, ब्लूटूथ, वेबकैम, डुअल स्टीरियो स्पीकर, बैकलिट कीबोर्ड, 45 वाट आवर की बैटरी, जिससे आपको 7 आवर का बैटरी बैकअप भी मिल जाता है। उसी साथ में इसमें आपको 2 ईयर की वारंटी भी मिल जाती है। प्राइस की बात करें तो आपको 44,056 रुपीज में आता है। तो बात करते हैं दोस्तों इस लैपटॉप के प्रोज एंड कॉन्स की। इसमें भी आपको जो डिस्प्ले दिया गया है, जो प्रोसेसर है, जो रैम और स्टोरेज है, जो सारे कनेक्टिविटी फीचर है, और जो इसकी प्राइस है, सब कुछ एकदम टॉप नॉच है। दोस्तों इसमें भी आपको डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं मिलता है, इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड देखने को मिलता है। या दोस्तों इससे पहले जो HP का लैपटॉप बताया था और जो लेनोवो का है ये वाला लैपटॉप है, दोनों में कहीं ना कहीं सेम टू सेम स्पेसिफिकेशन मिलते हैं। हालांकि सिर्फ प्राइस का डिफरेंस है, तो आप दोनों में से कोई सा भी परचेस कर सकते हैं, स्पेसिफिकेशन आपको सेम मिलते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 5 बेस्ट लैपटॉप अंडर 45,000 रुपीज। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों वीडियो क्लास तक देखने के लिए।